जय श्री कृष्ण। धर्मा लाइव पे मैं एस्ट्रोलॉजर हार्दिक। 2024 का साल शनिदेव का साल है, तो काफ़ी लोग डरे हुए भी है कि उसमें क्या करें क्या न करें, कैसे उपासना करें। कहीं का ऐसा कहना है कि शनिदेव की अगर पूजा मंत्र भी करते हैं लेकिन तो भी हमें फल भुगतना पड़ता है। तो सभी का सोल्यूशन लेके आ रहे हैं कि भाई अगर शनिदेव को प्रसन्न करना है तो क्या करना है, क्योंकि 9 ग्रहों में से सबसे कठिन अगर प्रसन्न करना है तो वो देव है शनिदेव जी। जी हाँ, लेकिन शनिदेव के 23,000 मंत्र अगर हम मंत्र जाप करते हैं अपनी ओर से या कोई ब्राह्मण के द्वारा करवाते हैं तो उनसे उनकी कृपा प्राप्त की जा सकती है। कौन सा मंत्र? ताकि ओम खाम खीम खोम सह शनिश्चराय नमः, या अगर ये कठिन लग रहा है तो ओम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। तो फिर ये प्रश्न आता है कि 23,000 मंत्र 23,000 बार मतलब कितना हुआ? तो 23,000 डिवाइड बाई 108 की एक माला होती है, तो लगभग 200 बार या 213 माला होती है। एक दिन में अगर 3 या 4 करते हैं तो भी आप एक महीने में ये माला पूर्ण कर सकते हैं। तो फिर तो ये प्रश्न उठता है कि कोई पेंडिंग कर्मास पड़े हुए है तो उनका तो फल भुगतना ही पड़ता है। कहीं का ऐसा कहना है कि भाई ये शनिदेव आए है तो अब मंत्र पूजा भी कर लो लेकिन आप बच नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, हाई कोर्ट में केस लगा हुआ है, थोड़ा झूठा केस है, आपका इतना दोष नहीं है, लेकिन अच्छी वकील की सलाह लेके आप उस कोर्ट केस में भी आप बच सकते हैं, उनका रास्ता और समाधान जल्दी से मिल सकता है। उसी तरह से भगवान शनिदेव की अगर उपासना की जाए तो वो आपको रास्ता दे सकते हैं। और शनि के जितने की महादशा अंतरदशा जिनकी वो भी गई है उनको आप पूछ लीजिएगा, उन दिनों में उन समय में उनने काफ़ी कुछ सीखा होगा, अपने कुछ नई कलाएँ सीखी होगी। एक हार्डवर्किंग पर्सन को बनाता है इंसान, अगर बहुत आलस है तो वो काम करने लग जाएगा। कुछ कुछ उसकी बहुत ही बड़ी विशेष महत्वता आती है। दूसरी चीज़ है हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ 3 बार कर सकते हैं, 11 बार कर सकते हैं, और अगर अच्छा समय है आपके पास तो हो सके तो 1 साल में 1 बार 100 बार पाठ कीजिए। यह 7 बार पाठ कर कोई छूटे ही बंदी महाजग होई, वो पंक्ति है ही, आप सबको पता ही है। और फिर तो ये प्रश्न आता है कि शनि देव को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा क्यों करें? तो बताया गया है कि रावण से पार्श में 9 ग्रहों को बंदी बनाया गया था, तो उनमें शनि देव भी थे, उनको भी बंदी बनाया गया था। लेकिन हनुमान जी ने लंका में आग लगाई थी, वो आप सभी को वो पता ही है, तब शनि देव को उस बंधन से मुक्त करवाया था रावण से, बंधन से। तब शनि देव ने कहा था कि आज से जो जो भी हनुमान चालीसा का पाठ और हनुमान जी का भक्त है उनको शनि देव की पनौती या शनि देव की कोई विकट दशा है तो उनको रास्ता मिलेगा, उनको परेशानी नहीं होगी, वो शनि देव का विधान है। तो फिर तो बात आती है कि शनिदेव क्या क्या कर सकते हैं। तो शनिदेव बताया गया है कि 9 ग्रहों में से कई बार क्रूर फल मिलता है तो बहुत ही विकट और कठिन फल भी दे सकता है। रावण ने 9 ग्रहों को बांध के रखा था, ऐसा शास्त्र का विधान है, लेकिन शनिदेव ने कहा कि तुम इतने ही बलवान हो तो मुझे कोई बंधन मुक्त की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरी सिर्फ दृष्टि जो उल्टी है उनको सीधी दृष्टि कर दो, मैं उनसे भी अपना पराक्रम दिखा सकता हूं। तो रावण तो अभिमानी था, उन्होंने बताया कि मेरे कोई इंद्रादि देवता भी नहीं कर सकते तो तुम क्या कर सकते हो। तो शनि को जो दृष्टि में लाना चाहता है वो क्रूर दृष्टि में डाला, तब रावण को विचार आ गया क्योंकि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई कि सीता जी का हरण में कर लूं। वो शनि की जब दशाएं उनको एक टाइम मिला, बंधन से थोड़ा सा उनकी दृष्टि उल्टी थी वो सीधी करने का प्रयास मिला, तब शनिदेव ने दृष्टि की और रावण को पहला विचार आया कि मैं इस श्री राम की के जो सीता जी है उनका मैं हरण कर लूँ। और तभी से एक श्लोक बना और शास्त्रकार में बहुत ही प्रचलित है कि असंभवम हेम मृगस्य जन्म तथापि राम लुलुभे जगाय। असंभव था रामायण में के एक सोने का मृग का जन्म होना, लेकिन श्री राम भी उनके पीछे गए क्योंकि धियोति पुंसा कुलिना भूति, विपरीत काल था रावण का, अब विपरीत काल आ गया था, इसीलिए रावण की बुद्धि भ्रष्ट हो गई और तब
ये सोने का मृग का जन्म, ऐसा ख्याल आया। तो शनिदेव को अगर हम प्रसन्न कर सकते हैं और शनिदेव की उपासना करते हैं, हनुमान जी की उपासना करते हैं, तो हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। और एक बात, जिसकी कुंडली में भी वीक है, महादशा में है, प्रत्यंतर दशा में है, सूक्ष्म दशा में भी आ जाता है, इन सभी चीज में पैरेलल आ जाता है, तो कहीं बार कठिन परिस्थिति आती है। मतलब कुंडली में नीच का है, शत्रु राशि में बैठा हुआ है और फिर महादशा में भी अच्छा स्थान में नहीं बैठा हुआ, तो काफ़ी विकट परिस्थिति आती है। उनके लिए क्या करें? तो उनके लिए जो 23,000 मंत्र है उनको अगर 4 गुना किया जाए, अब 23,000 जो मंत्र है इंटू 4 कर दीजिए, और जो 212 मालाएँ हैं उनको वो मंत्र जाप कर लीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ बढ़ा दीजिए, तो उनसे काफ़ी कुछ समस्या का निकलने का हल मिल ही जाता है। तो कोई भी अगर रेमेडी होती है तो वो गलत नहीं होती है, लेकिन अगर हमारी परिस्थिति अगर विकट है तो उनको मंत्र का बोलने का जो समय है वो हमें देना चाहिए और वो बढ़ाना चाहिए, मंत्र की संख्या है। और उनका सभी का प्रावधान हमारे शास्त्र पुराणों और ग्रंथों में है ही। तो धर्म लाइक को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी अनेक ही जानकारियाँ और रोचक तथ्य के लिए कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी बात रख सकते हैं। जय श्री कृष्ण।